नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध रूप से शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में ऋषिकेश पुलिस के द्वारा चेकिंग के समय मनसा देवी फाटक के पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक द्वारा मौके से वाहन को तेजी से चलाकर आगे जाकर जंगल के पास छोड़ दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वाहन को चेक करने पर उसके अंदर से कुल 12 पेटी अंग्रेजी व देसी शराब बरामद हुई है। उक्त संबंध में कोतवाली ऋषिकेश में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की गई। नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस उत्तराखंड में शुरू की गई, जिसका लाभ प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के लोग भी ले रहे हैं और ये एक सार्थक पहल भी रही है। बता दें कि इसमें मरीज का इलाज टेलीमेडिसिन की तरफ से किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास भट्ट काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने 1,51,000 से ज्यादा मरीजों का उपचार टेलीमेडिसिन से किया है, जिसमें उत्तराखंड के कई जिले शामिल हैं। अगर बात करें तो टेलीमेडिसिन मरीजों के इलाज में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जहां अस्पतालों में मरीजों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है, तो वहीं इलाज के नाम पर हजारों रूपये भी मरीजों से लिए जाते हैं। यानी टेलीमेडिसिन अब जनता के सामने अच्छा विकल्प बन रहा है। बस जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, तब जाकर ही आम जनता को निःशुल्क उपचार का फायदा मिल पाएगा। चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ में स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में चल रहे 3 दिवसीय विकास खंड स्तरीय मिनी क्रीड़ा एथलेटिक्स और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का अंतिम दिन है, जिसमें विभिन्न खेल और सांस्कृतिक विधाओं में विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। जूनियर वर्ग में राजकीय जूनियर हाईस्कूल मिंग के अमन ने 600 मीटर दौड़ में चैंपियनशिप हासिल की। बता दें कि पिछले खेल सत्र में भी अमन चैंपियन रहे थे। वहीं अंतरिक्ष में इस संकुलन नारायण बगड़ प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। खेल प्रतियोगिताओं का संचालन परमानंद सती ने किया। नारायण बगड़ की जो मिनी क्रीड़ा एथलेटिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता कराई गई, उसमें 240 के लगभग छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और सभी क्रीड़ा जो होते निर्णायक थे उन्होंने अपना निर्विघ्न रूप से अपना निर्णय दिया और जो बच्चे हैं उनका बिल्कुल टीम जो बच्चे हमारे वो छक के आए हैं और हम सभी का ये प्रयास है कि जो हमारे विकासखंड के बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराएं और साथ में सभी जो शिक्षक हैं उनके द्वारा और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूरे इसमें मॉनिटरिंग की गई कि ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो। 600 400 200 में प्रथम स्थान प्राप्त करा है, मुझे बहुत खुशी है। पहले पिछली बार भी तुम चैंपियन थे, प्रदेश में मैं प्रदेश में भी खेला था, इस टाइम मैं नेशनल खेलना चाहता हूँ और मैं अपने शिक्षक श्री चौहान सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कांग्रेस भवन पहुंचकर आज केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। विकलांग पेंशन को खत्म किया जा रहा है, जो कि मोदी सरकार का बेहद गलत कदम है। इतना ही नहीं, आज मोदी सरकार सेना को कमजोर करने का काम कर रही है। मोदी सरकार ने देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसके तहत उन्होंने एक नई पेंशन पॉलिसी जारी की है 21 सितंबर को, और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ के तरह से उसका नाम दे दिया गया है। जैसे ही नाम बदला तो इनकम टैक्स रिलीफ खत्म, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ को कुछ नहीं मानता और जानता। अध्यक्ष
हल्द्वानी में नैनीताल की डीएम ने शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कालाढूंगी मार्ग पर जीजीआईसी का निरीक्षण किया। इसके अलावा रामपुर रोड में चल रहे चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही हल्द्वानी की ठंडी सड़क में नहर कवरिंग का काम तेजी से करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि अब मानसून सीजन खत्म हो गया है, लिहाजा सभी निर्माणदायी संस्थाओं को तेजी के साथ निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यों की समय समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो लंबे समय से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट के स्तर पर अभी विचाराधीन है, कुछ में धनराशि सैंक्शन हो गई है, कुछ में डीपीआर प्रिपरेशन हो रहा है। तो लंबे समय से विभागीय अधिकारियों का जहाँ 3-4 डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसमें समन्वय को लेकर कुछ प्रोजेक्ट्स की गति धीमी चल रही थी। आज हम लोगों ने 3-4 ऐसी ही परियोजनाओं का निरीक्षण रखा हुआ था जिसमें पहले जीजीआईसी वाला जो एरिया है वहाँ हम लोग सुबह गए थे, जिसमें एक स्पेस बहुत अच्छा पार्किंग का निकल सकता है, साथ में साइड की जो रोड है उसके चौड़ीकरण की भी संभावना निकली है। बनभूलपुरा क्षेत्र के आजाद नगर लाइन नंबर 8 में मामूली बात पर दो समुदायों में विवाद हो गया, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के बीच मारपीट हो गई, जिस दौरान दोनों ओर से चले ईंट पत्थर में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति को संभाला। काम बढ़िया। कल रात्रि जो है एक पक्ष बनभूलपुरा क्षेत्र में बेकरी में केक लेने गया था और उसी दौरान उनके द्वारा वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा किया गया। स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, इस बात पे दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और रात्रि में ही पुलिस मौके पे पहुँच गई थी और वहाँ पहुँच के मामले को शांत करा दिया। वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। दुकान क्लोज करके ऊपर चले गए थे, खाना वाना खा के सो गए थे। फोन पर और जैसे अल्लाह बल्ला और मैंने फिल्म में जाके देखा, पहले बहुत और तेज आवाज आने जो पास मारने का पिछले साल वाला जो रोड एक किसी ने घेर के रख रखा था उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई थी आने जाने वालों को। तो उसने कहा कि भैया मुझे जाने दो, आप केक लेते रहना। तो उसने एक दो लोग जो थे वो एकदम से गुस्सा हो गए, क्या ड्रिंक करे हुए थे वो और मैं केक नहीं दे पाया उनको। तो मोल हाथों हाथ इतना ख़राब हो गया था कि वो धार्मिक नारे जय श्री राम मेरे यार का, पहली चीज़ फिर मेरे यार का बर्थडे, ये चीज़ें मैंने अपने आप में खुद सुनी है। और देखो आते हैं हर हफ्ते हमारे पास। और रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चौमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गांवों की तस्वीर सवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव का जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है, इससे निश्चित है कि यहां का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, स्थानीय हस्तकला को यहां बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे जिससे यहां के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं,
द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गाँव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियां, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। secyurtscuk.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है यहीं पर मिल रहा सब कुछ, यहीं बनाते राशन कार्ड भी यहीं बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री धामी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शनिवार को सीएम योगी नरेंद्रनगर पहुंचे, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम योगी का स्वागत किया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद शाम को ही योगी केदारनाथ धाम जाएंगे और वहीं 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वे वापस लखनऊ लौट जाएंगे। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे जागेश्वर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, तो वहीं पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके इस दौर से उत्तराखंड के टूरिज्म को भी मजबूती मिलेगी। पर
प्रधानमंत्री जी का, आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह उन्होंने स्वीकारा और संभवतः 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, जागेश्वर आ रहे हैं, उसके बाद जूनिकोंग होते हैं वो आदि कैलाश जाएंगे, पार्वती कुंड जाएंगे, हमारे अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबोधित अधिकारियों को कहा कि सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हेलीपैड मार्ग समेत सभी व्यवस्थाओं को नियमानुसार पुख्ता बनाए रखना सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाली जनसभा के लिए उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है, इसलिए वे जिलों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मोदी जी जाने से चाहे जागेश्वर हो, चाहे आदि कैलाश हो, चाहे मायावती हो, विश्व पटल पर आएगा और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जो सभा पिथौरागढ़ में 12 तारीख को मोदी जी की होने वाली है, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से मैं जगह जगह जा रहा हूँ, मैं परसों पिथौरागढ़ था, कल मैं चंपावत था, आज मैं अल्मोड़ा में हूँ, अभी मैं रानीखेत जा रहा हूँ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सभा पिथौरागढ़ में होनी है और उन सभा के एक हिस्से में हमारे जागेश्वर में भी उनका आगमन होना है। मैं समझती हूँ कि हमारा जनपद अल्मोड़ा हो, हमारा जनपद चंपावत हो, हमारा जनपद पिथौरागढ़ हो अथवा बागेश्वर हो, सभी ओर से, और नैनीताल भी उसमें सभी लोग उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर जबरदस्त उत्साह है और मोदी जी से एक नया मार्गदर्शन, नया विजन और नया लक्ष्य लेकर जो है हम सब लोग आगे बढ़ने का जो है वहाँ से प्रेरणा मिलती है। तो सभी लोग तत्पर है और तैयारी बैठ के सभी ओर से माननीय प्रभारी जो इस कार्यक्रम के बनाए गए हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी और स्वयं मैं भी लगातार तत्परता के साथ में सभी जनपदों में इसका परीक्षण कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा लगातार विवादों में बने हुए नजर आ रहे हैं, जहां कई बार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जिनका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल कर चुके हैं। वहीं उन्होंने एक और खुलासा करते हुए सुनील शर्मा पर आरोप लगाए हैं। आप खुद देख लो, मैंने कई इसमें आपने देखा कई घोटाले की जो इनकी बात हुई थी उसमें आपने देखा होगा, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जो इनका ट्रांसफर था, जब इनका ट्रांसफर इलीगल हुआ है और जब किसी बड़े मंत्री या विधायक या किसी बड़े अधिकारी के द्वारा अगर इनका ट्रांसफर किया गया है, तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनको ऊपर के किसी ना किसी बड़े अधिकारी की या किसी ना किसी मंत्री की शह है, नहीं तो एक अधिकारी बेलगाम होकर इस प्रदेश के अंदर आरटीओ विभाग में मनमानी कैसे कर सकता है। इक्कीसवीं क्षेत्रीय 2023 की एथलेटिक्स प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गई, जहां प्रतियोगिता में निर्मला इंटर कॉलेज का प्रदर्शन सराहनीय रहा। वहीं ओवरऑल बालिका वर्ग की ट्रॉफी भी निर्मला इंटर कॉलेज ने कब्जाई है। सर्वे के मैदान में आयोजित 21वीं नगर क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में निर्मला इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया। इस प्रतियोगिता में मसूरी के साथ स्कूलों की 350 छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभा दिखाई। सात विद्यालयों ने जो भाग लिया है उसके लगभग 350 प्रतिभागी इसके अंदर रहे हैं और बहुत सुचारू ढंग से संपन्न हुई है। बहुत उत्साह के साथ बच्चों ने इसमें भाग लिया है और इस रैली के माध्यम से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं ये डायरेक्ट जिले में प्रतिभा करने भी जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सभी ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को शोभायमान किया है और बहुत उत्साह के साथ बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है और मसूरी के बच्चे खेलों के मामले में बहुत प्रतिभाशाली है। अभी हाल ही में हमारे कई सारे बच्चे, मेरे अपने विद्यालय के भी 3-3 बच्चे जो है हॉकी स्टेट खेलकर भी आए हैं, उनका चयन स्टेट में फुटबॉल में भी हुआ है। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ क्योंकि मैंने आज समझा कि मसूरी में जो है फील्ड नहीं है। वैसे हमारे विभाग की तरफ से बिलाड़ों के लिए जो प्लान चल रहा है, मेरा पूरा सहयोग और मेरा पूरा अपनी तरफ से पूरा वो है कि मैं जल्दी से जल्दी बिलाड़ों का मैटर सॉल्व करूँ ताकि मसूरी को बच्चों, मसूरी में पढ़ने वाले बच्चों, खेलने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। तो अब
अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। पूरी प्रतियोगिता इसका यहाँ पर समापन हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इसका आयोजन किया गया और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में इस जो आयोजन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने ये घोषणा भी करी है कि जो यहाँ पर चेंजिंग रूम है वो 25 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका उसको सर्वे से हम बात करेंगे, अगर वो हमें अनुमति देती है तो पैसा फंडिंग हम कर देंगे। रुड़की में सोलानी पार्क के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली खिलाड़ी सलोनी को चीन में आयोजित एशियन गेम में 18वां सिल्वर मेडल जीता, जहां शहर और देश का नाम रोशन करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता और कलियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कांग्रेसियों के साथ पहुंचकर सम्मानित किया और 11,000 रूपये की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। अच्छी है इसने हमारे यहाँ पर हमारे प्रदेश का हमारे देश का हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, हम इन्हें बधाई देने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ये और बढ़े और गोल्ड मेडल जीत के लाए जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। इन्होंने कुछ कमियां बताई वो भी हम अभी जैसा खनन का मामला था अभी सिस्टम लेना ज्वाइंट साहब से बात की और भी जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम करेंगे, क्योंकि ये बच्ची अपने लिए नहीं हमारे सबके लिए खेल रही है। सर मेरा नाम सलोनी है और मैं पहली बात तो आप सबको धन्यवाद करना चाहूंगी, आप सब मेरे लिए टाइम निकाल के इधर आए हैं। सर मैं सोनाली पार्क की इधर नदी है उसमें ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी, मैं डेली जाती थी उधर, मैं रग्बी खेलती। मैं अभी ये प्रतियोगिता चीन में हुई थी तो ये एशिया गेम था, तो मैं पहले ओडिशा में गई, उधर एक महीने का मेरा कैंप चला, उधर मैं सिलेक्ट हुई चीन के लिए, फिर मैं उधर चीन में गई, फिर उधर हमारी चीन में मेरा सिल्वर मेडल लगा है पूरी टीम के साथ। चीनी ने जो है हमारे शहर का रुड़की शहर का मान सम्मान बढ़ाया और साथ साथ देश का भी मान सम्मान बहुत बढ़ाया है। रग्बी के अंदर जो सिल्वर मेडल इसने जीता है हम तो दुआ करते हैं ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करते हैं अगली बार ये सोने जीत के लाए और इस शहर का नाम बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाए और लगातार जीतती रहे। अभी क्योंकि सलोनी ने हमें बताया कि वो कुटिया में रहकर उसने सारी चीज जो है अपनी हासिल की है, तो अभी विधायक जी ने और बाकी सब कांग्रेसजनों ने कोशिश करेंगे कि इसको जो है एक छत मिल सके जहाँ पे पक्की छत इसे मिल जाए जिससे वहाँ रहकर जो है अपना आगे का जीवन अच्छी तरह इसके माता पिता गुजार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।